उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 3 जून को हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने अदालत में अपनी केस डायरी को दाखिल किया है। पिछले महीने कानपुर में पथराव के बाद हिंसक झड़पें हुई थीं। उस समय एक स्थानीय संगठन ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में की टिप्पणी का विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया था। इस मामले की केस डायरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिनेश अग्रवाल ने दायर की है। एसआईटी की जांच के मुताबिक उपद्रवियों को हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की गई थी, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए उपद्रवियों को पैसे दिए जाते हैं। अदालत में जो केस डायरी दाखिल हुई है उसमें कहा गया है कि पथराव करने वाले लोगों को कथित तौर पर 500 से 1000 रुपए दिए गए थे। जिन लोगों ने दंगे के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया उन्हें कथित तौर पर 5000 रुपए का भुगतान किया गया। एसआईटी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों को मुफ्त कानूनी मदद का आश्वासन दिया गया था। केस डायरी में बताया गया कि उपद्रवियों को हंगामे के लिए 7 से 9 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उन लोगों पर भी सख्त एक्शन हो रहा है जिन्होंने हिंसा के केस के लिए फंडिंग की थी। कानपुर में हिंसा मामले में जांच की आंच अब सफेदपोशों तक भी आने लगी है। खबर थी कि मामले की जांच कर रही एटीएस के रेडार पर 22 नेता हैं। अधिकारियों ने जांच के दौरान गहन छानबीन के बाद इन सफेदपोशों की एक सूची भी बनाई थी। बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला का नाम भी शामिल है जिस पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जुमे की नमाज के तुरंत बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना इलाकों में हिंसा भड़की थी। इस मामले में योगी सरकार ने उपद्रवियों पर बुलडोजर का एक्शन भी किया था, जिसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन सरकार फिर भी इस मामले में कोई भी नरमी बरतने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि जो लोग हिंसा के दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।